नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की फिर बुरी नजर। परिसरों की रेकी किए जाने का हुआ खुलासा। बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने संभाला मोर्चा। नागपुर जिले में फिर बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 700 के करीब नए पॉजिटिव मरीज। पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा कम नहीं होने से प्रशासन सकते में। और मुंबई में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर बाहरी मजदूर मुंबई से पलायन को हो रहे मजबूर। रेलवे स्टेशनों पर अपने गांव जाने के लिए उमड़ रही भीड़। और अब खबरें विस्तार से। गुप्तचर सूचना के आधार पर पता चला है कि जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने नागपुर में संघ मुख्यालय की इमारत पर रेकी की है। मालूम हो कि रेकी सिर्फ संघ मुख्यालय में ही नहीं बल्कि नागपुर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी की गई है। इसके चलते आरएसएस मुख्यालय व हेडगेवार भवन समेत नागपुर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस संबंध में नागपुर के पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने भी मीडिया को कुछ जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। रेशिमबाग में हेडगेवार भवन भी है। बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद ने इन दोनों जगहों समेत अहम जगहों की रेकी की थी, साथ ही इन जगहों की तस्वीरें भी ली गई है। इस सूचना के बाद पुलिस ने यहां सुरक्षा कड़ी कर दी है। संघ मुख्यालय वो स्थान है जहां सर संघ चालक मोहन भागवत और संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी निवास करते हैं। जैश ए मोहम्मद ने इन दोनों इमारतों के साथ साथ कुछ अन्य हिस्सों पर भी रेकी की है। जैश ए मोहम्मद के कुछ लोग यहां रेकी करने आए थे। अमितेश कुमार ने कहा कि इसीलिए उन्होंने शहर के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी और इन दो स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आयुक्त ने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार एक माह पूर्व टीम ने मुख्यालय हेडगेवार भवन व कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि आतंकी इसी के लिए श्रीनगर से आए थे। आतंकी कुछ दिनों के लिए नागपुर में रुके थे। इस मामले की जानकारी मिलते ही एक टीम गठित कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसी ही एक टीम श्रीनगर भी गई है, पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है। इसके तहत आरएसएस और महल परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी व ड्रोन द्वारा फोटो निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। अशी काही माहिती आलेली आहे की काही जैश ए मोहम्मद हे बँड टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन यांनी काही ठिकाणाचे रेकी करण्याचे प्रयत्न केलेले आहे। सुरक्षाची पोख्ता इंतजाम सर्व जे काही अशा प्रकारचे ठिकाण आहे तिथे ऑलरेडी पोलीसकडून करण्यात आलेली आहे। अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सध्या क्राईम ब्रांच तपास करत आहे। तपासामध्ये जे बाबी समोर येईल त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात आली। सर, ते काही संशयितांना अटक केलेला आहे का आणि त्या कुठल्या जागा आहेत ज्यांची? सध्या कोणत्याही कोणालाही अटक नागपूर पोलिसांनी आतापर्यंत केलेली नाही, परंतु तपास सुरू आहे आणि कोणतं ठिकाण आहे याचे व्यतिरिक्त ही सगळी काही आता डिस्क्लोज करण्यासारखे नाही आहे। योग्य वेळी ते सांगण्यात येईल। सर्व प्रकारचे पोलिसचे प्रेझेन्स आणि जे आवश्यक सुरक्षासाठी आवश्यक मनुष्यबल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर असते ते ऑलरेडी अशा प्रकारचे संवेदनशील ठिकाणी होतात, आणखी वाढ करण्यात आलेली आहे। पोलीस कोणत्याही प्रकारची हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज आहे। प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून पण आवश्यक सर्व कदम पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे। नागपूर जिले में दिन ब दिन तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। शुक्रवार को नागपूर जिले में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। 698 संक्रमित मिलने से प्रशासन में खलबली मची है। तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से प्रशासन ने भी कई पाबंदियां लगाई है। वहीं पाबंदियां और सख्त करने पर चर्चा की जा रही है। आज मिले संक्रमितों के साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 2050 पर जा पहुंची। अब तक जिले में 4,96,000 संक्रमित मिले हैं। जिले में मृतकों की संख्या 10,123 पर ही स्थिर बनी हुई है। शुक्रवार को ग्रामीण में 89 पॉजिटिव मिले तो वही शहर में 593 और जिले के बाहर के 16 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में कुल 698 पॉजिटिव के इस डराने वाले आंकड़े से प्रशासन भी चिंतित है। इसलिए प्रशासन द्वारा सख्त पाबंदियां लगाई गई है और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया गया है।
कोरोना की पहली लहर में अचानक हुए लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौट रहे प्रवासियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सभी ने देखी है। महामारी की तीसरी लहर में फिर वही हो रहा है। मुंबई में लॉकडाउन के डर से बाहरी कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल दिया है। लॉकडाउन से पहले हर कोई अपने गाँव और घर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री या राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि हालत बिगड़ने पर भी भीड़ कम होगी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पूर्ण लॉकडाउन की इस तरह की बात से यात्री खास करके मजदूर डरे हुए हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर गुरुवार रात से ही यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। देखा है कि कैसे लोग तीसरी लहर के डर से अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के डर से लोग रात भर स्टेशन पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मुंबई के कुर्ला के लिए रवाना होती हैं। ऐसे में लोकमान्य टर्मिनल पर गुरुवार रात 8 बजे से भीड़ बढ़ने लगी। इसमें ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग शामिल थे जो शुक्रवार की सुबह ट्रेन के लिए तालाबंदी के डर से देर रात स्टेशन पर पहुंच गए। मजदूरों का कहना है कि अगर वे यहां रहेंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और एनसीपी नेता विद्या चव्हाण के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। विद्या चव्हाण के जवाबी ट्वीट में अमृता फडणवीस ने मुकदमा दायर किया है। भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और विद्या चव्हाण का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है और अमृता फडणवीस ने एनसीपी नेता विद्या चव्हाण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एनसीपी नेता विद्या चव्हाण ने अमृता फडणवीस को डांसिंग डॉल बताया था, इसलिए अमृता फडणवीस बेहद नाराज है। अमृता फडणवीस ने विद्या चव्हाण के घर में हुए घरेलू विवाद को निकालकर नीरस भाषा में हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अपनी बहू और प्रगतिशील महिलाओं के चरित्र का अपमान राकांपा नेता विद्या चव्हाण ने किया है। अब हमें अदालत में जाना होगा और उनके द्वारा फैलाई गई सारी जहरीली गंदगी को साफ करना होगा। विद्या चव्हाण मानहानि नोटिस पढ़े और खुद को सुधारे, फिर उन्हें तसल्ली मिलेगी। ऐसी अमृता फडणवीस की ओर से विद्या चव्हाण को चेतावनी दी गई है। अमृता फडणवीस ने सीधे विद्या चव्हाण को कानूनी नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यह मानहानि का मुकदमा है और इसका खुलासा अदालत में किया जाना चाहिए। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर बीजेपी पार्षद संगीता महात्रे के पति द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पुलिस ने संदीप महात्रे को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करना बीजेपी नेता संदीप महात्रे को भारी पड़ गया, क्योंकि शिवसैनिकों द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद संदीप महात्रे को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए एक पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट को वायरल करने की भी कोशिश की। इस आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कुछ शिवसैनिकों ने कोपर खैरणे थाने में मामला दर्ज कराया था। कोपर खैरणे पुलिस ने धारा 154A के तहत मामला दर्ज किया है।
उसके बाद संदीप म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्हें पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। भाजपा नेता संदीप म्हात्रे की पत्नी कोपर खैरने क्षेत्र में पार्षद है। संदीप म्हात्रे कोपर खैरने क्षेत्र में अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। अपराध शाखा के उपायुक्त सुरेश मेंगड़े मामले की जांच कर रहे हैं। म्हटलं होतं त्याने की गेली 60 वर्ष झाली, अजून बेळगाव हे महाराष्ट्रामध्ये आणता आलं नाही अशा नेत्यांना की त्या आता अशाच पद्धतीने त्यांच्यावरती प्रहार केला पाहिजे अशा पद्धतीने त्याची पोस्ट होती, आणि त्या पोस्टला अनुसरूनच आम्ही असं म्हणतो आहे की उद्धव साहेबांवरती अशी गलिच्छ पोस्ट टाकणार ही व्यक्ती अतिशय निंदनीय व्यक्ती आहे आणि या व्यक्तीला शिक्षा ही झालीच पाहिजे असं माझं मत। एका ट्विटर हँडलवरील एक जी पोस्ट वादग्रस्त पोस्ट आहे ती पोस्ट त्यांनी ज्ञानेश्वर माऊली मंडळ नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरती व्हायरल केली आणि त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनला तशी तक्रार श्री विजयनंद माने यांनी दिल्यामुळे यांच्यावर संदीप म्हात्रे नावाच्या इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। कोपर खैरनेला सेक्शन 153(a)(5) आणि 34 प्रमाणे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। माननीय न्यायालयाने त्यांना 8 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेला आहे। जनतेमध्ये आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे, शत्रुत्व एकमेकांबद्दल वाढीस लागणे, एकोप्याला बाधा आणणे अशा प्रकारचं कृत्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली। तपासामध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी तपास करत आहेत, तपासामध्ये निष्पन्न करत आहेत। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील और खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के स्टाफ में कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए। कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिससे खलबली मची है। ऐसे में चिंता का माहौल बना हुआ है। राज्य के गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील के कार्यालय और घर पर कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट सकारात्मक आई है। साथ ही खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के कार्यालय में भी कई लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील का स्टाफ असमंजस में है। उनके कार्यालय के 20 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ऑफिस में कई लोगों का टेस्ट किया गया जो कोरोना के संपर्क में आए थे। अभी 15 रिपोर्ट आनी बाकी है। गृह सचिव के निजी सचिव समेत अन्य स्टाफ सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के कार्यालय और बंगले में 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में चिंता का माहौल बना हुआ है। संतोष परब हमला मामले में बीजेपी विधायक नीतीश राणे को एक बार फिर राहत मिली है। इससे पहले भी अदालत से उन्हें गिरफ्तार होने से राहत मिली थी। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि मुकदमा अदालत में चल रहा था। सिंधुदुर्ग पुलिस संतोष परब हमला मामले में बीजेपी विधायक नीतीश राणे की तलाश कर रही है। नीतीश राणे अभी भी अज्ञात है। पुलिस को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को टाल दिया गया है क्योंकि अदालत की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इसलिए अगले बुधवार तक नीतीश राणे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नीतीश राणे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नीतीश राणे की ओर से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया जाएगा। 20,000 से ज्यादा नए केस के साथ मुंबई में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है। इसके बाद एक बार फिर मुंबई में लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 20,181 नए मामले दर्ज किए हैं। ये संख्या बुधवार को दर्ज किए गए मामलों से करीब 5,000 से ज्यादा थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर फैसला लेने की बात कही। सोमवार को मुंबई बीएमसी की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा था कि एक दिन में 20,000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि शहर में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि मुंबई में लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें लॉकडाउन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं के सवाल पर टोपे ने कहा कि सरकार मुंबई के आंकड़ों को बहुत ध्यान से देख रही है और इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 36,265 नए केस दर्ज किए गए और इस अवधि के दौरान 13 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई। महाराष्ट्र में गुरुवार को दर्ज कोरोना मामलों में से 79 ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकले। काहीही तसं घडलेलं नाही आणि त्यामुळेच थोडासा या संदर्भातला वाढत असलेली संख्या असली तरी सुद्धा त्यामध्ये हा दिलासादायक विषय आहे की यामध्ये वाढ नाहीये आणि त्यामुळे आम्ही या सगळ्याच गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत।
परंतु संसर्ग होऊ नये या दृष्टिकोनातून काही आपल्याला बाबी कराव्या लागतील. म्हणजे आता जसं आता आपण मुंबईमध्ये रात्री 5 लोकांच्या वर आपण जसं जमावबंदीचे आदेश लागू केलेले आहेत, तर आता त्या संदर्भात अधिक काही 11 ते 5 लोकांना नॉन एसेन्शियल गोष्टी ज्या आहेत, ज्या आवश्यक नाही आहेत, त्या गोष्टींच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा काही निर्बंध आणता येतील का? तर हा एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या साठी सादर करूया. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली तरच आपण त्याबाबतीतला योग्य तो पुढे त्याचा खरंच इम्पॅक्ट होत असेल हा सगळाच विषय लक्षात घेऊन मग पुढील कारवाई करण्यात येऊ शकेल. परंतु एक नक्की आहे की काही नॉन एसेन्शियल गोष्टींमुळे जर का संसर्ग वाढत असेल असं लक्षात येत असेल, तर त्या संदर्भात पुढील काही कालावधीत, लगेच जरी नसलं तरी काही कालावधीत आपल्याला हा जर का संख्यात्मक कंट्रोल नाही आला तर मग विचार माननीय मुख्यमंत्री स्तरावर होऊ शकेल असं मला वाटतं. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.